डॉक्टर जलील कार्टर इंस्टीट्यूट के साथ वी आर इन टच, हमारी उनके साथ बात भी हुई है. वी हैव ऑलरेडी हायर्ड अ पीआर फर्म, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका हुआ है 3 months का, एंड दिस विल बी पर्टिकुलरली टू ऑब्जर्व इलेक्शंस इन पाकिस्तान. देयर आर 10 ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ हमारा जो पीआर फर्म है बड़ा क्लोजली काम कर रहा है. लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, होपफुली बाय वेडनेसडे थर्सडे हम लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे. दिस विल ऑल्सो बी फॉर 3 months स्पेशली फॉर इलेक्शन मॉनिटरिंग. पाकिस्तान में कोई छोटा सा वाकया भी हो गया, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम उसको वर्ल्ड न्यूज बनाएंगे. बन रही है, हम दोबारा वन क्लिक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं बाय टुमारो, जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं वो अपने जिप कोड डालेंगे. हम यहाँ से इस पे काम कर रहे हैं. वी विल सेंड अ टीम ऑफ ऑब्जर्वर्स, फॉरेन ऑब्जर्वर्स टू पाकिस्तान, जो कि उस इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे और उस पर रिपोर्ट करेंगे. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी का एतराफ कर लिया. $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई. इमरान खान की जानिब से ये कहना है रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही. इमरान खान की जानिब से कहना है शौकत खानम को सालाना 9 अरब रुपए की डोनेशन मिलती है. पीटीआई शौकत खानम को मिलने वाली डोनेशन का जायजा लेने का मैकेनिज्म नहीं है. इमरान खान की जानिब से ये इल्जाम लगा दिया गया है कि उनके खिलाफ एम्पायर खड़ा कर दिया है. एम्पायर का जिक्र करें, इमरान खान ने खुद लगाया. ये जो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है मोहतरम, इनको इमरान खान ने रिकमेंड किया, तो किसी ने कोई जज को नहीं लगाया. The Indian Army or the Indian Armed Forces would not have been able to do so much of damage. This one is doing extensive damage. Recently, I'd asked for people, Indians abroad, to start funding the Pakistan Tehreek-e-Insaf. And a lot of them have given money to Pakistan Tehreek-e-Insaf. I said, Khan sahab ko paise ki kami nahi honi chahiye. Because he's on the long march, no? And he's going to shake up the system. So a lot of people are giving money now, 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds. People have started funding. Namanzoor.com is the website. I can't do it from India, otherwise I would have given half my salary low. Paisa low, Khan sahab, you just stay true to your mission. Don't back down now. Do you really want Imran as a prime minister again, who's like totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream.